दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं और आप अपने पीएफ का पूरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपने पीएफ का पूरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप भी अपने पीएफ का पूरा पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर देना ताकि ऐसे आने वाली नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र को पहले ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको गूगल में टाइप करना है EPFO। जैसे आप इसे टाइप कर लोगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको फर्स्ट में मिल जाएगी। आपको इसी पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, मैंने इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डायरेक्ट वहाँ पर जाके इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने EPFO का ये पेज ओपन हो जाएगा इस तरीके से आपके सामने। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो करा देगा, जरा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो कराएगा ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र। दोस्तों, आपको इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा नीचे की साइड आना है। नीचे आने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पीएफ नंबर यानी आपको अपना यूएन नंबर यहाँ एंटर करना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ अपना पासवर्ड एंटर करना है और ये सेम कैप्चर आपको यहाँ फिल कर देना है और लास्ट में आपको एक ईशाइन का ऑप्शन मिलता है लास्ट पर, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। अब आप अपने पीएफ के पेज पे इस तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो कराएगा ऑनलाइन सर्विसेज, आपको इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन शो कराएगा क्लिप फ्रॉम नंबर 31 & 19 & 10C & 10D, तो आपको पहला ही ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। बैंक की डिटेल कुछ यहाँ पे आपको भरनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे अपना एक बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। इस वाले ऑप्शन पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। दोस्तों, मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर वो एंटर करना जो आपने KYC करते समय किया था। तो जैसे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ एंटर करेंगे उसके बाद आपको नीचे एक वेरीफाई का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर ओके करना है। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ वेरीफाई कर दिया है, आपको यहाँ ग्रीन कलर का ऑप्शन मिलता है, आपको यस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो करा देगा प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, आपको इस वाले पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये ऑप्शन शो कराएंगे तो आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिलता है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म नंबर 19, आपको पहला ऑप्शन क्लिक करना है। अब आपको नीचे आना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड फॉर्म 15Z। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको वो फॉर्म भरना पड़ता है अगर आपके पीएफ में बैलेंस 50,000 है या 50,000 से ज़्यादा है, तब आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में पीएफ 50,000 से कम है, आपको इसे भरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अब आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको एम्प्लॉय एड्रेस में आपको अपना हाउस नंबर या विलेज जो भी आपका लगता है आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद स्ट्रीट में आपका लोकलिटी एरिया जो भी लगता है आपको यहाँ एंटर करना है और नीचे आना है, आपको स्टेट का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्टेट यहाँ पर आएंगे, जो भी आपका स्टेट लगता है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है इसी तरीके से। उसके बाद फिर नीचे आना, आपको यहाँ के सिटी का ऑप्शन मिलता है, आपको अपनी सिटी ऐड करनी है और यहाँ पे आपको अपना पिन कोड नंबर जो भी आपका सिटी का है उसे आपको ऐड करना है। नीचे आना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है चूज़ फाइल का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने बैंक पासबुक की फ़ोटो को अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ कम से कम 100KB से लेके 500KB के बीच में होना चाहिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने फ़ोन की गैलरी पर आएंगे। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, कैमरा गैलरी में आएंगे और आपको अपने बैंक पासबुक को यहाँ से सिलेक्ट करना है। इस तरीके से क्लिक करने के बाद आपको आपकी बैंक अकाउंट की पासबुक यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा गेट आधार OTP, आपको इस पर क्लिक करना है। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा आपको। आपके मोबाइल पर जो भी OTP आया उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और वैलिडेट OTP पर आपको ओके करना है। आपके सामने कुछ इस तरीके से सर्चिंग लेगा, आपको थोड़ा वेट करना है। आपका फॉर्म यहाँ सक्सेसफुली आपको यहाँ शो करा देगा। अब आपका पीएफ आपके 4 से 5 दिन में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा।
उसके बाद अपने पीएफ का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऊपर आना है ऑनलाइन सर्विस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको आना है ट्रैक क्लेम स्टेटस, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे आपको पूरा शो करा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमने फॉर्म सबमिट किया है वो खाली यहाँ पे आपको सबमिट आपको यहाँ पे शो कराएगा। उसके बाद ये अगर एक्सेप्ट कर लेंगे आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देगा, आपका पीएफ आ जाएगा तो यहाँ पे आपको क्लेम दिखा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की साइड में यहाँ पे आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। ऐसे आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ऐसे आने वाली और भी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आपको मिल सके।